दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक बहुत ही पॉपुलर एआई राइटिंग टूल जिसका नाम है राइटर। इसमें आप कुछ ही सेकंड्स में बहुत ही अच्छा हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका आप रेटिंग देख सकते हैं ट्रस्ट पैलोट, G2 या एप्सुमो में हर जगह 4.9 इसका रेटिंग है, लेकिन इसका एक रीजन भी है। उसके बाद कुछ टेस्टिमोनियल देखने को मिलेगा। इसमें क्या करना है, आपको बस एक यूज केस सिलेक्ट करना है, उसके बाद थोड़ा सा इनपुट देना है कि आप किस बारे में लिखना चाहते हैं, और बाकी काम राइटर कर देगा। ये अपने आप आपका वो कंटेंट क्रिएट करके आपको देगा। तो इसमें अगर हम प्राइसिंग पे चले तो ये फ्री में आपको हर महीने 5000 कैरेक्टर्स तक जेनरेट करने देगा, लेकिन अगर आपको उससे ज़्यादा कैरेक्टर जेनरेट करने का ज़रूरत पड़ जाए तो आप इसका पेड प्लान के साथ जा सकते हैं। $9 पर मंथ पे आपको 50K कैरेक्टर्स जेनरेट करने को मिलेगा, और इसका जो हाईएस्ट पेड प्लान है वो है $29 पर मंथ। अगर बाकी सारे मार्केट में जितने भी एआई राइटिंग टूल्स हैं उनके साथ कंपेयर किया जाए तो राइटर काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। तो हम सीधे इसको यूज़ करके देखेंगे। स्टार्ट राइटिंग पे क्लिक करेंगे तो ऐसा एक इंटरफेस आ जाएगा। इस पे देखिए, मैंने इससे पहले जो कंटेंट क्रिएट किया था वो यहाँ पे मिल जाएगा, हिस्ट्री पे भी आपको मिल जाएगा, और यहाँ से आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। इंग्लिश दिया हुआ है, इसमें हिंदी भी है, और यहाँ से हम टोन सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इंफॉर्मेटिव सिलेक्ट करके रखा है, अप्रिसिएटिव, असर्टिव, कैंडिड, कॉशनरी, ऐसे काफ़ी सारे टोन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे जो जो यूज़ केसेस हैं कि ब्लॉग आइडिया एंड आउटलाइन है, बिजनेस आइडिया पीछे कॉपी राइटिंग फ्रेमवर्क है, ईमेल है, फेसबुक, ट्विटर या गूगल के एड्स के लिए, इंटरव्यू क्वेश्चन, जॉब डिस्क्रिप्शन, लैंडिंग पेज, मैजिक कमांड, उसके बाद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, एसईओ, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल, सॉन्ग लिरिक्स, स्टोरी प्लॉट, ऐसे काफ़ी सारे यूज़ केसेस हैं, और आप अपना खुद का एक यूज़ केस भी क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ब्लॉग सेक्शन राइटिंग सिलेक्ट करके रखा है। सेक्शन टॉपिक मैं दे देता हूँ, यहाँ पे मुझे मार्केटिंग मैट्रिक्स के ऊपर एक कंटेंट क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ सेक्शन टॉपिक मार्केटिंग मैट्रिक्स, और कीवर्ड जो रहेगा वो भी रहेगा मार्केटिंग मैट्रिक्स। उसके बाद मैं दे देता हूँ परफॉर्मेंस मैट्रिक्स इन मार्केटिंग, और एक और कीवर्ड मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि मार्केटिंग रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे आप 125 वर्ड तक ही यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप वेरिएंट चूज़ कर सकते हैं, आपको एक वेरिएंट, दो या तीन वेरिएंट जेनरेट करना है। तो मैंने यहाँ पे 3 सिलेक्ट करके रखा है, और उसके बाद राइट फॉर मी पे मैं क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, अभी आप देखिए बस कुछ ही सेकंड्स लगेंगे, और ये देखिए कुछ ही सेकंड्स में इस टूल ने मुझे 3 वेरिएंट क्रिएट करके दिया है कि द टू मोस्ट कॉमन मेट्रिक्स फॉर मार्केटिंग आर आरओआई एंड सीपीए। मार्केटिंग मेट्रिक्स आर एसेंशियल फॉर बिजनेस टू ट्रैक इट्स परफॉर्मेंस एंड सक्सेस। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग दैट हैव बीन यूज्ड ओवर द इयर्स। और ये है थर्ड वेरिएंट। तो यहाँ पे मैं अगर चाहूँ तो फिर से नए वेरिएंट्स क्रिएट कर सकता हूँ, और इस पे मेरा इस पे 310 वर्ड्स और 1907 कैरेक्टर्स है। तो इसमें से कोई भी एक वेरिएंट मैं अपने कंटेंट के लिए यूज़ कर सकता हूँ, या फिर नया वेरिएंट क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये था राइटिंग सेक्शन। हिस्ट्री से आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे देखिए मार्केटिंग मैट्रिक्स जो है ये आ गया है। यहाँ पे फिर से ये 3 वेरिएंट्स मुझे देखने को मिल रहा है। और अकाउंट पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 1.9 के वर्ड्स मैंने यूज़ कर लिया। अभी अगर आप फ्री में इस कोटा को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको रिवार्ड्स पे जाना है, और यहाँ पे देखिए अगर आप लिंक्डइन, फेसबुक या ट्विटर में इनके ऊपर जेन्युइन रिव्यू शेयर करेंगे, या फिर एप्सुमो, ट्रस्ट पैलेट या G2 में रिव्यू शेयर करेंगे, तो आपको इन सोशल मीडिया में शेयर करने के लिए आपको 1000 क्रेडिट्स ईच, और इनमें आपको 2000 करके, और G2 में 3000 क्रेडिट मिल जाएगा। अगर आप टोटल करके देखेंगे तो आपको अप टू 10,000 क्रेडिट फ्री में मिल सकता है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, इन सारे जगहों पे जाके आपको एक जेन्युइन रिव्यू देना होगा, उसके बाद उस रिव्यू का स्क्रीनशॉट लेना है और लिंक लेना है, और अगर आपका रिव्यू अप्रूव हो गया तो स्टार्ट सबमिटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए Review 1, आप यहाँ से वेबसाइट चूज कर सकते हैं, अपने जहाँ पे रिव्यू डाला है उसका लिंक दे सकते हैं, और स्क्रीनशॉट अपलोड करके आपको सबमिट करना है। तो जैसे ही
ये लोग चेक करेंगे कि आपका रिव्यू वहाँ पे अप्रूव हो गया तो आपको क्रेडिट दिया जाएगा। तो ऐसे आप अपने मंथली कोटा को इंक्रीज कर सकते हैं, और यही रीजन है कि ट्रस्ट पायलट और G2 में इनका रेटिंग 4.9 है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये टूल अच्छा नहीं है, लेकिन ये भी एक रीजन है 4.9 तक रेटिंग पाने का। तो इस टूल को आप खुद यूज करके देख सकते हो, फ्री में यूज किया जा सकता है, नीचे मैं लिंक दे दूंगा, और आप फ्री में AI की मदद से कंटेंट क्रिएट कर सकते हो।